हेलो दोस्तों, मैं हूँ अक्षय शर्मा और मैं सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको देखिए ये जो प्रोफाइल हैंडल है इसके बारे में बताऊंगा। ये जो प्रोफाइल हैंडल है इसके बारे में बताऊंगा कि ये आप कैसे लगा सकते हैं। दरअसल काफ़ी लोगों ने बताया है इस प्रोफाइल हैंडल को कटर से काटने के बाद, जैसे ये जो इसमें झीरी चलाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये झीरी चलाई गई है, इसके बाद इसको ऊपर से ठोक देते हैं जिससे कि प्रॉब्लम क्या आती है, ये थोड़ा सा राउंड हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये राउंड हो जाता है अगर हम लोग ऊपर से ठोकते हैं। तो आज मैंने थोड़ा अलग करके ट्राई किया, तो ये जो मैंने नीचे वाला लगाया है इसको देखिए मैंने लगाया और इसको कहीं से भी ये राउंड नहीं है बिल्कुल भी। इसको मैंने इस तरीके से लगाया कि ये 1% मतलब जब हम इसको ऊपर से यहाँ से ठोकते हैं तो ये जो इसका कॉर्नर है, ये जो ये आप कॉर्नर देख रहे हैं ये गोल हो जाता है, ज़्यादा लोड पड़ता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसकी जो साइड की जो झीरी होती है ये झीरी इसको बढ़ा देते हैं, पर इसको बढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि यही इसकी मजबूती होती है। तो आपको केवल कटर जितने ब्लेड जाती है उतनी ही चलानी चाहिए। उसके बाद मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ क्या करना। तो दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पर आप कटर से इसको पहले झीरी बनाऊँगा, वही 1-3 सूत कुछ रहता है ब्लेड को लेके, वो झीरी हमें बनानी पड़ेगी। और एक बात और, आप कलर जो कटर हो जैसे, तो इसमें तो सीधा रेसा है पर किसी किसी में जो बेड़ा रेसा होता है उसमें आपको कटर को 2 बार चलाना पड़ता है जिससे कि जो भी झीरी हो वो अच्छे से निकल जाए और जो भी अंदर की गंदगी हो वो भी अच्छे से निकल जाए। वैसे मैंने इसको 1 ही बार चलाया है, पर आप इसमें 2 बार चलाएँगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने जो ब्लेड से हल्का सा जो होता है हल्का बढ़ा के रखा है ताकि अगर कोई मतलब इसे कोई भी कंकड़ भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इसको ठोकेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है जिसकी वजह से जो ऊपर जहाँ पे हाथ लगाना होता आगे से जिससे कि वो भागे ना, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो आप आगे से हाथ लगाएंगे जिससे टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागेगा। तो ये हल्का सा भी सेटिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको हथौड़ी से ठोकेंगे या फिर आप बस लोगे अभी प्रयोग कर सकते हैं, पर हम आपसे कहेंगे कि आप लकड़ी लगा के तब ठोके डायरेक्ट और थोड़ी या बसला से ना ठोके। तो दरअसल इस तरह ठोकने से होता क्या है कि जो भी इसकी लाइन होती है, आपने 2 लाइन देखी होगी, वो चीज़ जो होती है वो अच्छी तरीके से इसमें पकड़ जाती है जिससे इसका उखड़ने का पूरा एकदम दिक्कत ही ख़त्म हो जाता है। और साथ ही साथ काफ़ी लोग ये बताते कि ऊपर से ठोकना चाहिए, पर वो गलत चीज़ है, काफ़ी लोगों को पता नहीं। तो आप देख सकते हैं ये जो मैं आगे से हाथ लगाया हुआ हूँ, ये एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हूँ जिसकी वजह से ये अच्छे से पकड़ मैं नहीं पा रहा था, उसकी वजह से थोड़ा सा जो आगे का हिस्सा वो भाग रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग ठोक रहे हैं, वो जब मैं अगर पूरा दोनों हाथ से पकड़ता हूँ तो अच्छे से पकड़ाता है, तो वही थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पर अगर मैं आगे से दबा के पकड़ूँगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप भी जब लगाइए तो आगे थोड़ा सा दबा के पल्ले को तो पकड़िए, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस तरह ठोकेंगे तो आपकी एक जो इसमें जो लाइन दी गई है वो पूरी की पूरी लाइन इसके अंदर अच्छे से लग जाएगी। तो यहाँ ये जो नीचे का कॉर्नर है मैं सही से पकड़ नहीं पा रहा हूँ, जब मैं कैमरा छोड़ दूँगा तब मैं शायद सही से पकड़ लूँ। इसके पहले मैंने 1-2 दरार लगाई जो कि काफ़ी अच्छे से लग गई हैं और 1% मतलब इसमें जो पीछे जो झीरी होती है वो भी नहीं छोड़ी और एक बराबर साइड से मतलब गई है नीचे तक। ये बात मैं वैसे तो ये तीसरी या चौथी बार लगा रहा हूँ, पर मैंने कहा कि ऊपर से मारने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ भी देखे थे जिनमें कि सब कुछ फालतू बताया जा रहा था। तो मैंने एक बार सोचा कि आखिर में क्या उपाय होगा इसका, तब मैंने अलग से कुछ ट्राई किया तो मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए। तो फिर मैंने किया तो उससे काफ़ी मतलब अच्छे रिज़ल्ट आए क्योंकि हैंडल गोल भी नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता और हैंडल आसानी से मतलब लग जाता है। और ऊपर से अगर आप ठोकते हैं तो उतना बढ़िया सेटिंग नहीं बन पाता है क्योंकि एक तो हैंडल गोल होने लगता है जब आप ठोकते हैं, तो उससे हैंडल काफ़ी ज़्यादा गोल हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो बास्केट है इस पर मैंने मतलब ये बास्केट में जो लोहा लड़ रहा था इसलिए इस बास्केट को मैंने खोल लिया है। अब इसको वापस हम लोग कस रहे हैं, उसके बाद इसको मैं डाल के दिखाऊंगा कि जो भी दराज है। तब तक के लिए यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अभी तक मैंने यूट्यूब पे देखा था कोई भी ऐसी वीडियो नहीं पड़ी थी जिसमें कि ये सब बताया गया हो। ये पहली वीडियो जिसमें मतलब मैंने बताया है कि इस तरह लगाते हैं। यूट्यूब पर कई सारी ऐसी वीडियोज़ पड़ी हैं जिसपे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं, पर अभी तक किसी ने ऐसी ट्रिक का प्रयोग नहीं किया क्योंकि सब सेम टू सेम जैसा देखते हैं वैसे ही बना देते हैं।
पर मैंने थोड़ा हट के ट्राई किया या आखिर में ये प्रॉब्लम क्यों आती है। और कई लोग तो इसकी जो कटर हम लोग चला रहे हैं इसकी झीरी ज़्यादा कर देते हैं और फिर फेविकोल लगा के फिर लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप एक बार ट्राई करिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप प्लीज़ अनलाइक करिए। पर अभी जाके आप उसको पहले ट्राई करिए और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी और भी मतलब मज़ेदार वीडियोस और बहुत ही मतलब जो भी आपको फ़ायदेमंद है वैसी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये लग चुका है और एकदम बराबर आता है, कोई भी मतलब इधर उधर भागता भी नहीं है और पीछे साइड एकदम बराबर रहता है, कोई भी झीरी नहीं छोड़ता है, जिसे कि आप देख पा रहे हैं। तो बस दोस्तों यही थी पूरी जानकारी, होप आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।